झंडा में कितने रंग होता है? चार। कौन कौन रंग? केसरिया, सफेद, छाही है, जिसके वजह से आज भीमराव अंबेडकर देश के सर्वोच्च स्थान पर मौजूद है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरी ही नहीं किंतु नरक के समान हो जाता है। आप लोग दसवीं क्लास में है ना? Yes. अच्छा, विद्युत का ऐसा मात्रा क्या होता है? Ampere. क्या बोले? एम्पियर। अच्छा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा? कंडेला। जितने भी गरीब बच्चे हैं हम उसके लिए बहुत सा छूट देते हैं, और किसी के पिताजी अगर मान लीजिए नहीं है तो ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा। भारत को कितने नाम से जाना जाता है? जो एक राज के नाम पर है वो कौन सा नाम है? बिहार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा कुमार, आप देख लिया कि मुझे इस वक्त का मौजूद है सहरसा जिला बोर्ड, देखेंगे इस पर लिखा गया है सुप्रभात पब्लिक स्कूल समानी, और इसमें कई सारे यानी कि जो महान लोग हैं उनकी पिक्चर भी दिया गया। यहां पर बताया गया है वर्ग प्री नर्सरी से 10+2 तक का हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यहाँ पे ये संस्था चलाई जा रही है। यहाँ पीछे आप तस्वीर में देखेंगे यहाँ पे जो शिक्षक गण है वो सभी यहाँ पे उपस्थित है। उसके बाद जितने भी यहाँ पे छात्र छात्रा है सभी लोग यहाँ पे हैं जो उपस्थित है, सभी लोग कतार वर्ग में खड़े हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि इन लोग ने अभी तक यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि 1 से लेकर आगे जितने क्लास तक हो रहे हैं, इन सभी विद्यार्थी से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे वास्तविक में सही सही पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि यह प्राइवेट संस्था है और सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्था में एक चीज का अंतर देखा गया है वो शिक्षा का। यानी कि सरकारी संस्था में सिर्फ नाम की यानी कि वो स्कूल चलते हैं, वो क्लास चलते हैं, लेकिन वहाँ पे सही से एजुकेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट संस्था में बच्चे को अच्छा से एजुकेशन दिया जाता है, ये बात सही है या नहीं है, इस चीज का पुष्टि यहाँ के जो बच्चे हैं इन सब से भी हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे जो ये सभी बच्चे लोग जवाब देने में सक्षम है या असक्षम है। हम आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्या पूछ सकते हैं? Yes, अच्छा, साल में कितने सप्ताह होते हैं? 12 सप्ताह। बिहार की मुख्यमंत्री का क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, भारत का प्रधानमंत्री क्या नाम है? उसके बाद राष्ट्रपति का क्या नाम है? अच्छा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यानी बोलने में थोड़ा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम एक क्वेश्चन यही पूछना चाहते हैं, आप लोग दसवीं क्लास में है ना? अच्छा, विद्युत का ऐसा मात्रा क्या होता है? Ampere. क्या बोले? एम्पियर। अच्छा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा? कंडेला। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, अभी 26 जनवरी आने वाला है, 26 जनवरी में सभी लोग तिरंगा यानी कि झंडा लेकर घूमेंगे, तो झंडा में कितने रंग होता है? कौन कौन रंग? अच्छा, एक क्वेश्चन यही पूछेंगे, भारत को कितने नाम से जाना जाता है? और वो नाम जो एक राज्य के नाम पर है वो कौन सा नाम है? बिहार। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी है अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं, कुछ सर लोग भी इन सभी जान लेंगे। सर आपका क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे सर आप कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी। सर आपका क्या नाम है? सरोज कुमार। अच्छा सर, आप यहाँ पे जो बच्चे को एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट है? इंग्लिश पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री और मैथ। अच्छा सर, आप 26 जनवरी आने वाले शिक्षा के बारे में कुछ बता दीजिए जो बच्चे लोग को। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जी जी, शिक्षा के बिना कोई भी मनुष्य का जीवन अधूरा होता है। शिक्षा ही विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। जी, बिना शिक्षा के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा मनुष्य के ज्ञान को आगे बढ़ाती है, उन्हें निरंतर प्रयास करने, उन्हें विकास की दर, देश की आर्थिक स्थिति, देश की समानता, एकता, अखंडता को बनाए रखने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही है जिसके वजह से आज भीमराव अंबेडकर देश के सर्वोच्च स्थान पर मौजूद है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरी ही नहीं किंतु नरक के समान हो जाती है। एक शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा सर्वत्र हमारे जीवन में ज्योत जगाने का काम करती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। बिना शिक्षा के तो जानवर रहते हैं, और जिस मनुष्य में शिक्षा की ललक नहीं है
ज्ञान नहीं है उसमें और जानवरों में आज के युग में कोई फर्क नहीं है। यदि हम किसी शहर में चले जाएं और हमारे पास शिक्षा की कमी हो तो हम इधर उधर वैसे उसी तरह भटकते रह जाएंगे जैसे जानवर भटकते रहता है। लेकिन यदि हमारे पास शिक्षा है तो हम अपने शिक्षा की ज्ञान से हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और है इनसे बात करें सर, अपना परिचय देंगे। मैडम प्रभात सर हुआ जी, मैं स्कूल के प्रधानाचार्य हूँ जी। और जिस भी ढंग से हो, जिस प्रक्रिया से हो, बच्चों को अच्छा से शिक्षा देते हैं। और मेरा एक लक्ष्य है कि बच्चा हर हमेशा अपने लक्ष्य पे हमेशा आगे बढ़ते रहे और अपने सफलता को हमेशा। सर आपसे एक कड़वा सवाल पूछेंगे, पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे तो समाज में कई तरह के लोग हैं जो गरीब लोग हैं, पढ़ने में अपने बच्चे को पढ़ाने में असक्षम है, वो जो अभी आपका फीस हो वो में देने में असक्षम है, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या सुविधा है? मेरे यहाँ जितने भी गरीब बच्चे हैं हम उसके लिए बहुत सा छूट देते हैं। और किसी के पिताजी अगर मान लीजिए नहीं है तो हम ऐसे बच्चों को फ्री में शिक्षा देते हैं। और किसी भाई बहन में अगर बहन की जनसंख्या अधिक है तो ऐसे बच्चों को हम फ्री शिक्षा देते हैं जी। जहाँ तक संभव हो हम अपने संस्था से उन बच्चों को अधिक सहायता प्रदान करते हैं, चाहे वो जो विभाग हो। शिक्षा में चाहते हैं कि उस बच्चों में, उस परिवार में एक अलग खुशी हो, ताकि बच्चे उसको देख करके वो आगे हमेशा बढ़ते रहें। अच्छा सर, एक सवाल और पूछेंगे कि देश में कई सारे प्लेटफॉर्म हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप यानी कि शिक्षा है क्यों चेन किए, इसका सबसे रीजन क्या है? हम इससे पहले एक जॉब भी कर चुके हैं और जहां आप गए थे जॉब करने के लिए तो हमको वहां अच्छा लगा नहीं। और मेरा एक लालसा था कि हम जब तक रहे तब तो शिक्षा दान ही करते रहे। अच्छा, मेरा अपना एक खूब है, मेरा ये नींव है और हम इस लाइन में अभी नहीं जब तक रहेंगे तो इसी लाइन में रहेंगे। कितने वर्ष अभी तक ये चला रहे संस्था? हम ये संस्था को जो है अपने शुरुआत की 2008 में और बहुत जगह शिक्षा देने के बाद सहरसा में चला है, उसको फिर जॉब में चले गए। जॉब में चले जाने के बाद फिर हमको वहाँ अच्छा नहीं लगा तो किसी माध्यम से हमको इस जगह का पता चला कि यहाँ पे शिक्षा का बहुत कमी है। तो उन लोगों के माध्यम से इस मतलब बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अपना शिक्षा देने का कोशिश किए और बहुत सारा प्रयास किए। बच्चा जो है हमसे बहुत मोटिवेट होते हैं जी और इस देख करके हम बहुत अपनी खुशी महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख ले कि यहाँ पे जो भी शिक्षकगण थे, जो भी इन लोगों को बोलना था शिक्षा के बारे में, शिक्षा हमारे समाज के जो नींव है आगे बढ़ने में, जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हुए सभी के जीवन में शिक्षा अति आवश्यक है और अति महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से आज कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। शिक्षा यदि नहीं रहेगा तो आपका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। इस संस्था के बारे में शिक्षा से संबंधित आप लोगों को किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक जय हिंद जय भारत। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं।